तो हम बता दें अभी दरभंगा शहर के विधायक संजय सराफ जी जो पांचवी बार चुनाव जीते हैं और पांचवी बार चुनाव जीतने के बाद आज यहां पहुंचे, हम बता दें हमारे साथ संजय सराफ जी हैं। पांचवी बार ये जो सफलता है ये अप्रत्याशित सफलता है, क्या मानते हैं आप इसके? आम जनता का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है और भारतीय जनता पार्टी और राज्य गठबंधन के नेताओं का आशीर्वाद है कि लगातार जनता ने मुझे पांचवी बार सेवा करने का अवसर दिया है। जो भी कार्य बाकी है दरभंगा के वो पूरे होंगे। क्या लगता है कि ये जो 10 में से 9 जो था, क्या लगता है एम्स और एयरपोर्ट ये भी अब? हम लोग तो 10 में 10 मान के चल रहे थे, 2000 से एक सीट रह गई, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, जो हमारी राज्य सरकार ने काम किया है, एम्स, एयरपोर्ट, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आम जनता को कोरोना के महामारी के समय जो सीधी रिलीफ दी गई, आम जनता को अनाज दिया गया, दाल दिया गया, राशि दी गई, गैस सिलेंडर दिया गया, और मैं विशेषकर विकास के साथ साथ आम जनता के सुख में, दुख में, मरनी में, हरनी में, शादी में, विवाह में, आम लोग ने मन बनाया हुआ था पहले से कि नहीं पांचवी बार मुझे सेवा का अवसर देंगे। जाति समीकरण नहीं चला क्या? कोई जाति संप्रदाय की बात नहीं है। मैंने तो शुरू में आप लोगों को कहा कि मैं आम लोगों की सेवा करता हूँ, आम लोगों के संपर्क में रहता हूँ। विकास तो होता ही है, विकास के साथ साथ आम लोगों से सीधा संवाद और सीधा संपर्क ये भी एक है। और नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ आए, एक हवा बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी आए, आम जनता ने, एनडीए गठबंधन के लोगों ने, जनता ने, भाजपा के, जदयू के, आम के, आपके सभी के और कार्यकर्ताओं ने जो जीत तोड़ मेहनत की। आप कौन पांच साल में कौन कौन मुख्य चीज होगा आपका? जो भी शहर में जाम की समस्या है, रेल ओवर ब्रिज बनना है, एम्स का निर्माण होना है, कुछ मालों की समस्या है उसका निर्माण होना है, और आम जनता जो भी काम बाकी है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। तो हमारे साथ बता दें संजय सराफगी थे जिन्होंने बताया कि जो 5 साल कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं चला, लेकिन फिर भी आज जो जोश और उमंग है वो आपको सीधे सामने देखने को मिलता है। ये थे नगर विधायक संजय सराफगी। और बता दें जाति समीकरण पर आधारित ये बार कहा जा रहा था कि संजय सराफगी हार जाएंगे, जो समीकरण बनाई जा रही थी, जो पूरे तरह दरभंगा में ये बताया जा रहा था कि संजय सराफगी से लोग नाराज हैं, संजय सराफगी घमंडी हैं, संजय सराफगी लगातार जीते रहे, लेकिन इस बार पांचवी बार जीतकर उन्होंने दरभंगा की जनता को न सिर्फ धन्यवाद दिया बल्कि ये कहा कि अब आगे और भी बेहतर काम करेंगे, जिन क्षेत्रों में कार्य बाकी है उसको भी करेंगे। देख रहे हैं पर